हेलो डियर स्टूडेंट, आज के हमारे करंट अफेयर्स में जो टॉपिक हैं वो ये हैं, बाई 4D न्यू इंडिया कॉन्क्लेव, नेशनल आयुष मिशन, सॉयल हेल्थ कार्ड, हलाला, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये हमारे आज के टॉपिक हैं, इनको हम करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं, पहला है बाई 4D। बाई 4D, एक्चुअली ये बाई 4D क्या है? बाई 4D इज ए यूथ प्लेटफॉर्म या इज ए फाउंडेशन। तो बाई 4D एक संस्था है, एक प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? यूथ के लिए। तो हम ये कह सकते हैं एक वर्ड में, दैट इज यूथ प्लेटफॉर्म। ये यूथ का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ यूथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, इसका जो पर्पस है वो है सस्टेनेबल सॉल्यूशन। सस्टेनेबल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम का इस तरह से सॉल्यूशन करो कि काम हो जाए, मतलब उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम पड़े, तो सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। दूसरा, इसका पर्पज़ है चाइल्ड एजुकेशन एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट। अगर पूछेगा बाई 4D क्या है, तो बाई 4D इज ए यूथ प्लेटफॉर्म या एक संस्था है जिसका मेन पर्पज़ है सस्टेनेबल सॉल्यूशन। और इसका और जो सेकंड पर्पस है वो ये है चाइल्ड एजुकेशन एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट। तो ये ध्यान रखना है, चाइल्ड एजुकेशन और यूथ एम्प्लॉयमेंट यानी जो नौजवान हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की बात करना है। और उसके बाद किस किस में ये काम करता है? ये काम करता है ग्रीन अर्थ पर। ग्रीन अर्थ का मतलब कि हमें उस तरह से डेवलपमेंट करना है कि अर्थ को कोई हानि ना हो। उसके बाद है क्लीन ड्राइव, इसका पर्पस है। उसके बाद है सिटीजन राइट, और उसके बाद है वीमेन राइट। तो इस पे काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बी 4D एक प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? यूथ के लिए, ठीक है। और यूथ प्लेटफॉर्म है सस्टेनेबल सॉल्यूशन, यानी सतत क्या कहते हैं, सॉल्यूशन का मतलब होता है उसका समाधान, सतत समाधान। कौन कौन से किस किस से काम करेगा ये? चाइल्ड एजुकेशन, यूथ एम्प्लॉयमेंट, ग्रीन अर्थ, क्लीन ड्राइव, सिटीजन राइट और वीमेन राइट, इस पे काम करता है। एक्चुअली ये संस्था बनाई किसने है? ये संस्था प्रफुल्ल निकम, एक नाम है जिसने इसे बनाया है, प्रफुल्ल निकम ने। तो क्वेश्चन से पूछेगा बाई 4D का पर्पज कौन सा नहीं है, तो ये इसके पर्पज हैं, आपको समझ लेना है, इस पे ये काम करता है। और ये न्यूज़ में किस लिए था कि अभी इसने न्यू इंडिया कॉन्क्लेव एक फंक्शन हुआ है, उसको इसी ने करवाया था। तो ये ध्यान रखना है कि बाई 4D एक यूथ प्लेटफॉर्म है जो चाइल्ड एजुकेशन, यूथ एम्प्लॉयमेंट, ग्रीन अर्थ, क्लीन ड्राइव, सिटीजन राइट एंड वीमेन राइट की बात करता है। तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट है, इसमें ये टॉपिक क्लियर है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा UPSC में, यहाँ से कौन सा पर्पज इसका नहीं है, तो वो आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर
टॉपिक है न्यू इंडिया कॉन्क्लेव, न्यू इंडिया कॉन्क्लेव, ठीक है, न्यू इंडिया कॉन्क्लेव, न्यू इंडिया कॉन्क्लेव, न्यू इंडिया कॉन्क्लेव इज ए प्रोग्राम, पहली बार न्यू इंडिया इज ए प्रोग्राम, यह एक कार्यक्रम है, क्लियर है, यह कार्यक्रम है, इसको किसने करवाया है, इसको करवाने वाला जो बॉडी है वो है बाई फॉर डी, अभी जो हमने बात की थी कि बाई फॉर डी ने करवाया है, कहाँ करवाया है, ये न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में करवाया है, और इसका इनोग्रेशन यानी इसका उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के उपराष्ट्रपति ने किया है। इसका क्या पर्पस था, इसमें कौन सी बात की गई थी, इसमें कहा गया है कि जो फार्मर हैं उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है न्यू इंडिया कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, किसने करवाया है, वाई फॉर डी ने करवाया है, ठीक है, उद्घाटन किसने किया, ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और सिंपल से क्वेश्चन है इसका पर्पस क्या था, क्यों करवाया था, तो इसके दो पर्पस थे। पहला पर्पस था किसान का जो इनकम है उसको बढ़ाना, और दूसरा पर्पस था कि जो अर्बन और रूरल में जो गैप है उसको मिनिमाइज़ करना। गैप का मतलब है, लोग बोलते हैं कि अर्बन में एजुकेशन, नगर में एजुकेशन अच्छा है, लोग बोलते हैं कि नगर में ट्रांसपोर्ट अच्छा है, लोग बोलते हैं कि नगर में हॉस्पिटल अच्छे हैं, नगर में सिक्योरिटी अच्छा है। तो उन्होंने इसके मेन पर्पस था कि किस तरह से गांव और शहर का जो गैप है उसको कम किया जाए। तो इनकम किसकी, फार्मर इनकम की बात हुई थी इसमें, और रूरल एंड अर्बन की बात हुई थी इसमें, यानी इन्होंने कहा कि रूरल और अर्बन का जो गैप है उसको हमें मिनिमाइज करना है। तो क्लियर हुआ कि न्यू इंडिया कॉन्क्लेव एक प्रोग्राम है जिसे बाई फॉर डी नाम है एक संस्था ने करवाया था, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, और जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया था। पर्पस क्या था, पर्पस था किसानों की इनकम को बढ़ाना, और साथ साथ में नगर का और ग्रामीण क्षेत्र की जो सुविधाओं में जो गैप है उसको मिनिमाइज करना, वो एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में, और ट्रांसपोर्ट के और सिक्योरिटी के फील्ड में, हर तरह से गैप को कम करना है। इससे क्या होगा कि लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के नगर में नहीं आएंगे, तो एक तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, और दूसरा है कि जो अर्बन का जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है इससे कई सारी प्रॉब्लम हो रही हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो मेन पर्पज़ है कि जो सर्विसेज हैं उनका डिसेंट्रलाइज करना, यानी सुविधाओं को देश के हर कोने तक पहुँचाना, उसको फैला देना। तो ये न्यू इंडिया कॉन्क्लेव का मेन पर्पस था। नेक्स्ट है इसमें सॉयल हेल्थ कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड, एक्चुअली ये जो योजना है सॉयल हेल्थ कार्ड, HSC सॉयल हेल्थ कार्ड, ये योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया ये नहीं, सॉरी, इसके पहले एक टॉपिक, चलिए इसको कर लेते हैं, सॉयल हेल्थ कार्ड को, फिर हम उसको देख लेंगे। सॉयल हेल्थ कार्ड चलाया गया 2015 किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2015 को इसको शुरू किया गया। और इसको क्या किया गया, यहाँ पर सॉयल कार्ड, किसानों को सॉयल कार्ड्स दिए गए। इन कार्ड्स में क्या होता है कि फार्मर के लिए इस कार्ड में क्रॉप वाइज न्यूट्रिशंस
एंड फर्टिलाइज़र का लिस्ट होता है। सपोज कि एक किसान है कि वो अपने खेत की मिट्टी ले जाता है लैब में और वहाँ पे टेस्ट होती है, उसके बाद वो जो वहाँ साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो वो टीम है, उस किसान को एक कार्ड बना के देती है, देखो आपके खेत में ये फसल हो सकती है और उसमें आपको इतने इतने फर्टिलाइज़र लगाना है और न्यूट्रिएंट्स लगाना है। तो एक तरह से ये फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स, यानी इसमें पोषक तत्व और उर्वरक, ठीक है, उर्वरक किससे, कृषि फसल के अनुसार, ठीक है, फसल के अनुसार किसान को क्या दिया जाता है, एक लिस्ट दी जाती है किसान को, फसल अकॉर्डिंग एक लिस्ट दी जाती है कि आपको इतने न्यूट्रिएंट्स लगाना है, पोषक तत्व लगाना है और इतने फर्टिलाइजर लगाना। अभी क्या होता है, भारत में कृषि का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग जानते नहीं कृषि करना कैसे है। बस ये कि अगर एक किसान के पड़ोसी ने अगर 50 केजी यूरिया लगाया है तो दूसरा 60 केजी लगाना है, उसको 10 किलो ज़्यादा लगाना है, बस और कुछ नहीं। उसने ये नहीं देखता कि हमारी फसल कौन सी है, हमारा मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, वो कितने कम हैं, कितने ज़्यादा हैं। तो बस ये है कि जो हमारी इंडियन जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो मोस्टली लोगों ने सीखा है ना, मतलब फोर फादर से, पड़ोसी से, सोसाइटी से, ये साइंटिफिक नहीं है। उनको नहीं पता है कि हमारे सॉइल में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है और इसमें किस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड इश्यू किए हैं किसानों के लिए, और इससे क्या होगा, किसानों की इनकम है जो डबल होगी, भारत सरकार ने टारगेट रखा है। और दूसरा है जो कृषि की जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वो बढ़ेगी और कहते हैं ना कि सस्टेनेबल हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ऐसा अभी क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूरिया दे रहे हैं, डीएपी दे रहे हैं, फिर 5-20 साल अच्छा क्रॉप होता है, फिर जो सॉइल का जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं सॉइल डिग्रेडेशन, है ना, उत्पादन की क्षमता वो अपने आप कम हो जाती है। इससे क्या होगा कि जो कृषि उत्पादकता है उसमें निरंतरता बनी रहेगी और फसल भी अच्छी होगी, पौष्टिक होगी। बस ये ध्यान रखना, सॉइल हेल्थ कार्ड का पर्पज़ है, पहला है कि जो हमारी क्रॉप हो वो हेल्दी हो, फर्स्ट, सेकंड ज़्यादा हो, एंड थर्ड वो फसल का जो प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी हो। ऐसा नहीं है कि 10 साल बहुत अच्छा हुआ उसके बाद खेत में फसल नहीं हो रही, जैसे हरियाणा और वेस्टर्न यूपी पंजाब में हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है, जो कृषि जो मृदा की उत्पादकता वो कम हो रही है। तो इसी को, सारी समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड इश्यू किए हैं। तो ये तो थे सॉइल हेल्थ कार्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉरी छूट गया था, नेशनल आयुष मिशन, ठीक है। नेशनल आयुष मिशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया था मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, यानी भारत सरकार द्वारा इसको चलाया गया था। किसके लिए, प्रमोट करने के लिए। क्या प्रमोट करने के लिए, आयुर्वेदा, ठीक है, आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने ये मिशन चला। इसमें दो चीज़ें थी जो एक तरह से मेडिसिन कह लें या थेरेपी कह लें, तो वो सिद्धि और यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धि और सिद्धा और यूनानी, है ना, ये होम्योपैथिक थी, इन पे ज़्यादा फोकस किया। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि नेशनल आयुष मिशन का पर्पज़ क्या है। तो नेशनल आयुष मिशन का पर्पज़ है इंडिया में होम्योपैथिक यानी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हलाला। हलाला,
देखिए हलाला टॉपिक है बल्कि रिलीजियस है, कल्चरल है, इसको ना तो आपको इसको पक्ष में होना है ना इसके विपक्ष में होना, ये बात आपको समझना है। हमें सिर्फ जो फैक्ट है उसकी बात करनी है, और जो गवर्नमेंट क्या कहती है उसकी बात करना है, और जनता क्या बोलती है वो बात करनी है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है वो बात करना है। क्या राइट है क्या रॉन्ग है इसके हम डिसीजन लेने वाले कोई नहीं होते, तो ये ध्यान रखना है आपको। सीधा पूछना है व्हाट इज़ अ हलाला, हलाला क्या है? तो हलाला का मतलब है कि इस्लामिक मैरिज रिचुअल्स है, ये हलाला इज ए इस्लामिक मैरिज रिचुअल्स, यानी इस्लाम में जो विवाह या शादी की एक परंपरा है, ठीक है, यानी इस्लामिक मैरिज रिचुअल्स है ये। इस्लामिक मैरिज से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये हाँ ये मैरिज से रिलेटेड है, इस्लामिक मैरिज से। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोला है, ये बोला है कि हलाला इज ए सेक्सुअल क्राइम। कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह एक यौन अपराध है, सेक्सुअल क्राइम है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ठीक है। तो एक्चुअली हलाला क्या है, तो इस्लामिक जो इस्लाम को जानने वाले लोग हैं, इस्लाम परंपरा में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को एक बार तलाक देता है, ठीक, उसके बाद अगर वो पत्नी दोबारा उसी पति के पास वापस आना चाहे, तो उसको वापस निकाह उसी व्यक्ति से करने के लिए उसे पहले किसी दूसरे व्यक्ति से निकाह करना होता है, उसके बाद जिससे उसने निकाह किया है उससे तलाक लेके फिर दोबारा ये उसी पति के पास आ सकती है जिसके जिसे पहले निकाह हुआ था। तो ये है हलाला, मतलब किसी व्यक्ति ने अगर जैसे मान लीजिए एक ये वाइफ है और ये एक पर्सन है, इसने इसको तलाक दिया, अगर ये दोबारा से इसी के पास आना चाहे तो इस लेडी को, इस फीमेल को किसी एक्स पर्सन के साथ निकाह करना पड़ेगा। इस एक्स पर्सन के साथ निकाह करने के बाद फिर इससे तलाक लेने के बाद फिर ये दोबारा इससे वापस आ सकती है। तो ये तो है हलाला। जो इस्लामिक कल्चर के लोग हैं, जो कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि ये सही है और उसको बने रहना चाहिए, लेकिन अपील करता का कहना है कि ये एक सेक्सुअल क्राइम है, इसमें एक लेडी को, एक वीमेन को, एक फीमेल को एज ए टूल्स यूज किया जाता है, उसकी फीलिंग को ध्यान नहीं रखा जाता, तो एक तरह से ये सेक्सुअल क्राइम है। तो अभी ये केस पेंडिंग है, तो सिंपल से ये आपको अगर कहीं पूछेगा तो पूछेगा हलाला किससे संबंधित है, तो हलाला इस्लामिक या मुस्लिम मैरिज रिचुअल्स है। कोई व्यक्ति एक बार तलाक देने के बाद दोबारा अगर उसी पत्नी को वापस पाना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो उसकी पत्नी को किसी और व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से पहले निकाह करना होता है, फिर उससे तलाक लेके दोबारा वो उस पति के पास आ सकती है। तो ये पद्धति हलाला कहलाती है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ये टॉपिक है, क्लियर। तो सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल जो है वो एक्चुअली एक तरह से कह सकते हैं, तो एक्चुअली ये क्या है, ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, यानी वैश्विक कदम है, किसके द्वारा उठाया गया है, यूएनओ के द्वारा। तो ये वैश्विक पहल है, ग्लोबल इनिशिएटिव है ये,
ठीक है, ये एक ग्लोबल, हाँ ग्लोबल इनिशिएटिव है, ये वैश्विक कदम है। और ये किसने उठाया था? यूएनओ के जो सेक्रेटरी थे बान की मून, है ना, बान की मून, बान की मून द्वारा ये उठाया गया था। इनका ये था 2010 to 2030, 2010 से 2030 तक था ये, है ना, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। तो क्या है सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल? एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, वैश्विक कदम है। किसने उठाया था? यूएनओ के वान की मून जो सेक्रेटरी थे उन्होंने शुरू किया था। ये कब से कब का का था? 2010 से 2030 तक। इसके पर्पस क्या है? तो क्या करना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि मॉडर्न एनर्जी सर्विस, पहला चीज थी इसमें मॉडर्न एनर्जी सर्विस, एनर्जी सर्विस, ठीक है, मॉडर्न एनर्जी सर्विस यानी जो आधुनिक एनर्जी है, जो पावर है उसमें। नेक्स्ट था इसमें डबल एनर्जी एफिशिएंसी, दूसरा था डबल एनर्जी एफिशिएंसी, तीसरा था डबल रिन्यूएबल एनर्जी यूज, डबल रिन्यूएबल एनर्जी यूज। तो ये चीज़ें थी इसमें। अब समझिए एक बार में कि सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल एक कार्यक्रम है या एक वैश्विक इनिशिएटिव है। किसने शुरू किया था? ये यूएन के जो सेक्रेटरी थे वान की मून ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 2010 में किया था। और उनका टारगेट था 2010 से 2030 तक। क्या करना चाहते हैं वो उसमें? वो चाहते हैं कि मॉडर्न एनर्जी सर्विस मिले, यानी इसका मतलब है उन्हें एनर्जी जो चाहिए, पावर चाहिए, वो मॉडर्न हो, यानी पुरानी परंपराओं का ना हो, यानी वो फॉसिल फ्यूल का ना हो, वो रिन्यूएबल रिसोर्स का। उसके बाद है डबल एनर्जी एफिशिएंसी, जो एनर्जी की एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो डबल हो जाए 2030 तक। तीसरी बात चाहते हैं कि डबल रिन्यूएबल एनर्जी यूज, जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हो रहा है उसका 2030 तक डबल करना है। वो पर्पज आपके सामने है, मेन पर्पज है इनका एक्चुअली एनर्जी के बारे में। सिंपल से पूछेगा, हाँ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, तो तीन टारगेट, पहला मॉडर्न एनर्जी सर्विस, दूसरा डबल एनर्जी एफिशिएंसी, और तीसरा डबल रिन्यूएबल एनर्जी यूज़, यानी जो आज हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी यूज़ करते हैं, इसको 2030 तक डबल करना है। तो ये था सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसने शुरू किया वो भी आपको समझना है, यूएनओ ने शुरू किया है। कब से कब तक का है? 2010 से 2030 तक का है, 2010 to 2030। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, है ना, सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी संसदीय सत्र, ठीक है, भारत में संसदीय सत्र के ठीक है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो भारत में जो संसद है उसके कितने पार्ट हैं? पहली बात, भारत का संसद है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जो इंडियन का जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके कितने पार्ट हैं? उसके तीन पार्ट हैं। पहले राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, तीन इसके हैं। सेशन की बात होती है, ये सेशन एक साल में कम से कम तीन सेशन बुलाने चाहिए। उनका कहना है कि तीन सेशन होने चाहिए साल में एक बार, और किसी भी सेशन में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए।
ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, गैप ना हो। पहली बात कि पार्लियामेंट के पार्ट कितने हैं, 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने सेशन की बात करते हैं, 3 सेशन की, और 2 सेशन के अंदर 6 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो 3 सेशन हैं तो उसको जो सेशन है उनको कौन बुलाता है? और उससे पूछा जाए जो जो राष्ट्र भारत की संसद के जो सेशन है, संसद सत्र है, कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, या लोकसभा स्पीकर, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो सेशन को बुलाने का काम होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति हैं वो इन सेशन को बुलाते हैं। तो कितने सेशन होते हैं नॉर्मली साल में? एक बार पहला सेशन होता है बजट सेशन, फर्स्ट है बजट सेशन, बजट सेशन, ठीक है, पहला है बजट सेशन। हाँ, ये हाँ इसे कर सकते हैं बजट सेशन। दूसरा है मानसून सेशन जो अभी चल रहा है, और तीसरा है विंटर सेशन। तो ये ध्यान रखना है, जो बजट सेशन होता है उसका टाइम होता है फरवरी मार्च, मानसून सेशन होता है उसका टाइम होता है जुलाई टू सितंबर, और जो विंटर सीजन होता है उसका नवंबर टू दिसंबर टाइम होता है। तो ये ध्यान रखना है। अब आपको समझाते हैं, एक बार पूरा इजीली समझिए कि संसदीय सत्र का मतलब होता है कि साल में भारतीय संसद कितनी बार मिलेगा या बैठक करेगा। तो पहले तो भारतीय संसद के 3 पार्ट हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। भारतीय संसद साल में 3 बार मिलता है या 3 बार बैठता है, और 2 में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इन सारे सेशंस को कौन बुलाता है ना, कॉल कौन करता है? तो कॉल करने का काम होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो कितने सेशन होते हैं? 3, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। बजट सेशन का टाइमिंग होता है फरवरी टू मार्च, मानसून सीजन का टाइम होता है जुलाई टू सितंबर, और विंटर सीजन का टाइम होता है नवंबर टू दिसंबर। ये जो सेशन होते हैं, अगर मान लीजिए ज्वाइंट सेशन कभी होता है, कुछ मानता है कि लोकसभा राज्यसभा का अगर ज्वाइंट सेशन होगा तो उसको कौन मतलब चेयर करेगा, कौन उसकी अध्यक्षता करेगा? तो ज्वाइंट सेशन होता है तो लोकसभा स्पीकर चेयर करता है, ठीक है। राज्यसभा को चेयर करने वाले होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और लोकसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो लोकसभा का चेयरमैन होता है, लोकसभा का प्रेसिडेंट होता है, या स्पीकर जिसको बोलते हैं। तो जब ज्वाइंट सेशन होते हैं जहां दोनों हों, राज्यसभा लोकसभा, उस कंडीशन में लोकसभा स्पीकर सदनों संयुक्त अधिवेशन की या संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। पहली बात है कि जो संयुक्त ज्वाइंट सेशन है वो केवल साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल पर ही आ सकता है, ये ध्यान रखना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या मनी बिल पे नहीं होता है। तो ये बात कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ज्वाइंट सेशन किस पे आ सकता है, तो ज्वाइंट सेशन केवल ऑर्डिनरी बिल पे यानी साधारण विधेयक पर भी आ सकता है, और इसे लोकसभा स्पीकर चेयर करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति किसको संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति हर साल में जो न्यू ईयर में शुरू होने वाला पहला सत्र होता है, पहला सेशन होता है, उसको संबोधित करते हैं। तो वो सेशन होता है बजट सत्र। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा सेशन होता है, तो साल का पहला सेशन होता है, उसी को बजट सत्र भी कहते हैं। तो बजट सत्र को भारत के राष्ट्रपति के संबोधन के साथ शुरू किया जाता है,
तो ये ध्यान रखना है। ज्वाइंट सेशन समझना है, उसकी अध्यक्षता समझना है, सेशंस को कॉल कौन करता वो समझना है, कितने सेशन होते हैं वो समझना है, और कब कब होते हैं वो समझना है, और संसद के कितने पार्ट हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक ये टॉपिक क्लियर होगा भारत में संसदीय सत्र। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।